गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अडर ट्वेंटी फोर सेवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो आज तारीख है सात फेब्रवरी आठ बजकर तीन मिनट हो चुके हैं सेशन लाइव हो गया है फटा फटाफट से लाइव आ जाइए सभी लोग फिर करते हैं आगाज आज के हमारे सेशन का और देखते हैं जरा सुबह तक की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ठीक है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अनुषा आइए आज क्लास में देखो भैया आज तो बड़े दिनों बाद अनुषा क्लास में आई है मनप्रीत जी गुड मॉर्निंग सूर्य गुड मॉर्निंग सुमित राजेश दमयंती पल्लव आशिक हुसैन आनंद विकास वीर लहरिया ठीक है शांतनु जी वेरी गुड मॉर्निंग ओके उम्मीद करते होंगे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे और इसी उम्मीद के साथ में शुरू करते हैं लेकिन पहले देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या कहता है आज का मोटिवेशन कहता है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं बिल्कुल हमारा जो ड्रीम है हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है सुबह उठते हैं तो हमारा ड्रीम हमारे दिमाग में चलता है है ना जो मनपसंद पोस्ट आपको लेनी है जो भी ड्रीम है आपका फिलहाल क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी का ड्रीम एक ही होगा कि सिलेक्शन लेना है जो भी करना है सिलेक्शन के बाद करना है है ना जो भी आपने सोचा होगा वो सिलेक्शन के बाद करने के बारे में सोचा होगा तो वो जो आपकी ड्रीम है वो आप आपने सोचा है आपने उस ड्रीम के बारे में तो डेफिनेटली आप ही उसको पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है तो इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए हर दिन सुबह आप उठते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं क्लास में आते हैं तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत बड़ी अचीवमेंट एक दिन सफलता के रूप में आपके सामने होगा ऑल द वेरी बेस्ट गाइस ठीक है तो शुरू करें न्यूज की तरफ आज काफी ज्यादा न्यूज है आज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो प्लीज सेशन को लास्ट तक देखिएगा ठीक है सो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यहीं पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जैसे कि जॉब अलर्ट्स सब्जेक्ट वाइज पावर कैप्सूल्स नोट्स आर्टिकल्स सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ये रही हमारी पहली न्यूज आजकल स्पेस से काफी न्यूज आ रही है, है ना कल भी पहली न्यूज हमारी स्पेस से ही थी खैर आज आपको फिर से स्पेस की सैर कराते हैं <clears throat> अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और ये जो चेहरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ इन्होंने ही बनाया है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक है तो जानते हैं इनके बारे में <clears throat> पूछा जा रहा है विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉट हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्पेंडिंग मोस्ट डेज इन स्पेस अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है यह किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है रवि जी कह रहे मैंने गोवा जाना सिलेक्शन के बाद गोवा तो कभी भी चले जाओ, खबर क्या है गोवा ही तो है गोवा कौन सी बहुत बड़ी चीज है चलिए कोई बात नहीं जाइएगा आप जरूर जाइएगा गोवा हम्म बिल्कुल आ, इस साल आप सभी का सिलेक्शन हो जाए ऐसे मैं विश करती हूँ नेक्स्ट ईयर सब लोग घूमने के लिए जाइएगा ठीक है हाँ भाई अभी फोकस करते हैं सवालों पे क्या होगा करेक्ट आंसर रशिया वेरी गुड क्या होगा रशिया रशिया <coughs> की जो स्पेस एजेंसी है ठीक है उसे हम क्या कहते हैं रोस कोस मोस कहते हैं ये है रोस मोस जैसे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है इसरो है है ठीक जिसे जापान की क्या होती है जाक्सा होती है ऐसे ही रशिया की स्पेस एजेंसी को रोस कोसो कहा जाता है तो अभी क्या हुआ है भाई देखो एक पर्सन है जिनका नाम है जेनेडी ये नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा सुना है कि नहीं सुना है जेनेडी इनका नाम है पेला तर्का. पेल चाका ऐसे करके इनका नाम ये है ये रशिया से बिलोंग करते हैं ठीक है पेल टालका है पेल टालका है पेल टालका हाँ अब ठीक है तो ये जो पर्सन है वंस अपॉन ए टाइम इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था क्या था स्पेस में जाने का इन्होंने मैक्सिमम डेज बिताने का रिकॉर्ड बनाया ये था एट सेवेंटी एट डेज एट सेवेंटी एट डेज इलेवन आवर्स इलेवन आवर्स ट्वेंटी नाइन मिनट्स का ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था अब इन्हीं का ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है और ये किसने तोड़ दिया है कोनो नेनको ने तोड़ दिया है इनका नाम है ओलेग ओलेग नेनको ठीक है ये है इनका नाम ये भी कहां से बिलोंग करते हैं ये भी रशिया से ही बिलोंग करते हैं इन्होंने कितना समय बिताया एट सेवेंटी एट डेज डेज बिल्कुल सेम हो जाएंगे एट सेवेंटी एट डेज एंड एट सेवेंटी एट डेज एंड ट्वेल्व आवर्स इतना समय इन्होंने स्पेस में बिताया है और उसके बाद इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जिन्होंने स्पेस के अंदर सबसे ज्यादा समय बिताया है ठीक है अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज जब हम स्पेस की बात करते हैं क्या तो यहाँ पर आपको मिलता है इसी कंट्री का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो यानी इसमें कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो जुड़ी होंगी तो यहाँ पर आप देखोगे एक तो रशिया की हो गई कौन सी रोस -कोस मोस हो गए ये किस किस ने मिलकर के बनाया है ये आपको याद रखना है रोसकोसमोस एंड कैनेडा हो गया साथ ही में आपको यहाँ पे नासा भी मिलता है नासा हो गया एंड जाक्सा हो गया और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा यूरोपियन यूनियन ठीक है साथ ही क्या हो जाएगा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है तो इन्होंने मिलकर के इसको बनाया हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ठीक है नासा ने कहा है कि ये जो स्टेशन है ये कब तक काम करेगा 2030 30, 31 तक ये काम करेगा और उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा हर एक चीज की क्या होती है अपनी एक लाइफ होती है तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसकी भी क्या है एक लाइफ है उसके बाद ये काम नहीं करेगा और ये नासा ने जो बताया है यहाँ पे एस्टिमेशन वो है टू थाउजेंड थर्टी टू थर्टी वन इसके बाद ये काम नहीं करेगा ठीक है हाँ जी इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ से क्लियर है सभी को ओके okay. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी जानते हैं एक मिशन है नासा का एक मिशन है नासा का जिसका नाम है आर्टेमिस आर्टेमिस मिशन 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 इस mission में क्या है स्पेस में भेजा जा रहा है ह्यूमन को ठीक है ह्यूमन को भेजा जा रहा है तो इसके अंदर पहली बार एक महिला को भेजा जा रहा है ठीक है उनका नाम पूछा जाएगा यहाँ पे चार लोग जा रहे हैं तो उन महिला का नाम क्या है क्रिस्टियाना कोच महिला का नाम क्या हो जाएगा क्रिस्टियाना कोच एक तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है अच्छा अगर मैं आपसे पूछू फर्स्ट पर्सन कौन थे स्पेस स्पेस में में जाने वाले? में जाने वाले वाले फर्स्ट पर्सन कौन थे तो क्या होगा करेक्ट आंसर फर्स्ट पर्सन कौन थे मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ वर्ल्ड की बात कर रही हूँ ठीक है बताइए <coughs> काफी सारे स्टूडेंट्स सा आज आए नहीं अभी तक क्लास में <coughs> भैया जय श्री राम संदीप जी भावनाओं में बहते जा रहे हैं आप तो हाँ भाई कौन बताएगा फर्स्ट पर्सन कमाल कर दिए हो अब मतलब ये भी मैं बताऊँ हद हो गई है सच में मैंने पूछा फर्स्ट पर्सन तो ये कौन हो जाएंगे यूरी गागरीन है ठीक है यूरी गागरीन कब 1961 के अंदर गए थे स्पेस के अंदर और ये पहले पर्सन बने थे वो डेट भी पूछी जाती है 12 ऑफ अप्रैल को लेकिन अगर मैं फर्स्ट वमेन की बात करूँ फर्स्ट वोमेन की बात करूँ तो ये कौन हो जाएंगे हां जी बताओ भाई जल्दी से जल्दी आंसर करो तब तक हम नेक्स्ट वाली न्यूज पर चलते पुष्कर सिंह धामी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इन्होंने लागू कर दिया है ठीक है ओके okay, सो so, उत्तराखंड की बात करते हैं यहाँ पर इन विच स्टेट असेंबली असेंट पुष्कर सिंह धामी प्रेजेंट द यूसीसी बिल बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किस राज्य के विधानसभा में पेश किया है किसने पुष्कर सिंह धामी ने तो क्या होगा करेक्ट आंसर दैट इज उत्तराखंड ठीक है उत्तराखंड के अंदर पेश कर दिया गया है तो चले सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं यूनिफॉर्म क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या होता है और कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये दिया गया है आर्टिकल फोर्टी फोर के अंदर इसका मतलब क्या होता है देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है वन सिविल सिविल का मतलब पर्सन हो गया ठीक है या पीपल का हो गया आप ठीक है एंड कोड इसका मतलब हो गया लॉ इसका मतलब वो कि हर एक पर्सन के लिए एक जैसा कानून लागू होगा आर्टिकल 44 में दिया गया है इसका मतलब ये किसका पार्ट है ये डीपीएसपी का पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है अब डीपीएसपी के अंदर क्या है जितनी भी चीजें आती हैं वो सभी कोर्ट के अंदर नॉन जस्टिशियबल होती है यानी आप उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर के क्लेम नहीं कर सकते हैं केस नहीं फाइल कर सकते हैं ठीक है वो चीजें आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के तहत हर एक स्टेट को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि अपने यहां पर इसको लागू किया जाए इसका मतलब क्या होता है सभी के लिए एक जैसा कानून लागू होगा जितने भी आ, जितनी भी कम्युनिटीज हो गई जितने भी रिलीजन हो गए जैसे कि आ, आ, सिख है या फिर हिंदू है या फिर आप कहोगे है, मुस्लिम जैनिज्म है, है बुद्धिज्म है जितने भी रिलिजन हैं इन सभी के लिए एक जैसा कानून लागू किया जाएगा इससे क्या होगा जो हिंदू मैरिज एक्ट हो गया जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है जो कि 1956 में आता है एंड मुस्लिम क्या है मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया ये एक्ट कब आता है ये 1939 के अंदर आता है अब इन सबको खत्म कर दिया जाएगा इनहेरिटेंस हो गया देखो इंडिया के अंदर अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं अगर किसी को मान लीजिए चाहे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं इनहेरिटेंस हो गया है ना या फिर शादी की बात करते हैं डाइवोर्स की बात करते हैं एडॉप्शन की बात करते हैं इनहेरिटेंस की बात करते हैं इन चीजों को लेकर अब क्या होगा एक जैसा कानून होगा सभी के लिए यह होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले इसे गोवा के अंदर लागू किया जाता है और अब उत्तराखंड में भी इसे लागू किया जा चुका है कब किया 6 फरवरी यानी कि कल ही के दिन विधानसभा में इसको पेश किया गया है और तीसरा स्टेट कौन सा बनने जा रहा है जहां पर इसको लागू किया जाएगा हाँ जी आंसर तीसरा कौन सा स्टेट हो जाएगा जहां पर इसको लागू किया जाएगा विच इज करेक्ट आंसर। तो था तुम भूल जाते हो क्या होगा के अंदर इसको लागू किया जाएगा तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया है ठीक है आगे चले ओके <clears> सो <throat> okay. so, अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में ये देखिए मैं आप में, आप किस किस में, में आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है किस और दो कंट्रीज भी चाइना है और तीन स्टेट्स के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ इसे बनाया कब गया दो के अंदर इसको बनाया जाता है यहाँ विधानसभा की 71 सीटें देखने को मिलती हैं लोकसभा की पांच सीटें हैं राज्यसभा की तीन सीटें हैं ठीक है अच्छा उत्तराखंड की बात करेंगे तो हमारे देश का सबसे ऊंचा जो डैम है टेहरी डैम है ये आपको यहीं पर मिलता है कौन से रिवर पे बना हुआ है भागीरथी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है यहीं पर आपको चार धाम मिलते हैं चार धाम मिलते हैं यमुनोत्री गंगोत्री ठीक है बताओ फटाफट से बाकी के दो कौन से जल्दी से चार धाम बताओ काफी बार बता चुकी हूँ मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई गलत नहीं करेगा जल्दी से चार धाम कौन कौन से ठीक है इसके अलावा और क्या मिलता है आपको फर्स्ट नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया ठीक है एंड और कौन सा याद रखना है गोविंदा नेशनल पार्क आपको यहां पर मिलता है राजा जी नेशनल पार्क हो गया राजा जी नेशनल पार्क हो गया एंड फ्लार ऑफ वैली फ्लार ऑफ वैली नेशनल पार्क ये सभी नेशनल पार्क्स उत्तराखंड के अंदर आपको मिलते हैं अभी लेटेस्ट यहाँ के यहाँ पे जो हाई कोर्ट है इसके चीफ जस्टिस एक फीमेल को बनाया गया है पहली बार उनका नाम क्या है उनका नाम कौन बताएगा रितु क्या नाम है इनका रितु बहर ठीक है ये इनका नाम है फर्स्ट फीमेल बनी है यहाँ पर हां जी, बिल्कुल सही बात है <clears throat> केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये चार धाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं एक फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है फूलदेही फेस्टिवल ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा फूलदेही फेस्टिवल यहाँ पे होता है और एक होता है हर रेला ये दोनों फेस्टिवल भी यहीं पर सेलिब्रेट किए जाते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज पे चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज देखिए क्या है फीमेल रोबोट है व्योमित्र इसको अब स्पेस में भेजा जाएगा क्या है व्योमित्र है ये एक फीमेल रोबोट है जो कि आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत लग रही है लग रही कि नहीं लग रही है लग रही है ना चलो बात करते हैं किस देश की महिला रोबोट व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा कौन सी कंट्री के द्वारा इस प्रो, एक मिशन के तहत इसको भेजा जा रहा है कहां पर स्पेस में तो किसका मिशन है ये इंडिया का मिशन है किसका इसरो का 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 मिशन 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 है, है? है? है ठीक नाम नाम क्या गगनयान मिशन क्या नाम है गगनयान मिशन इसका नाम है तो इसमें क्या भेजा जा रहा है एक रोबोट भेजा जा रहा है इस मिशन के बारे में सारी चीजें जानो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये है गगनयान मिशन सबसे पहली चीज तो ये जो मिशन भेजा जा रहा है ये दो पार्ट में भेजा जाएगा ठीक है दो पार्ट में इसको भेजा जाएगा जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ये अभी भेजा जाएगा मान के चलिए जुलाई टू सितंबर 2024 के बीच में भेजा जाएगा ये अनक्रू मिशन होगा यानी कि इसमें ह्यूमन को नहीं भेजा जाएगा बल्कि इसमें रोबोट को भेजा जाएगा ठीक है एंड जो दूसरा मिशन होगा जो दूसरा पार्ट होगा इसका ये दो ये 2025 में जाएगा ह्यूमन को भेजा जाएगा इसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा सेकेंड वाले में भेजा जाएगा ह्यूमन को ये याद रखिएगा ठीक है कोई दिक्कत यहां तक किसी को कहा भेजा जाएगा इस मिशन को तो अर्थ के लो ऑर्बिट में अर्थ के लो ऑर्बिट में ये मिशन जाएगा जो कि 400 किलोमीटर की हाइट पर आपको मिलता है पृथ्वी से 400 किलोमीटर की हाइट पर मिलेगा यहाँ पर इस मिशन को भेजा जाएगा इस मिशन का उद्देश्य है कि भेजना है और वापस भी लेकर आना है ठीक है चाहे ह्यूमन uh, की बात करें रोबोट की भेजने के बाद वापस भी लेकर आना है ये क्या है इस मिशन का पर्पज है ठीक है अच्छा तो इसका नाम व्योमित्र क्यों रखा गया है यहां पर आप देखोगे व्योमित्र क्यों रखा है देखो व्योम का मतलब है स्पेस एंड मित्र का मतलब है फ्रेंड ठीक है व्योम का मतलब है स्पेस एंड मित्र का मतलब है फ्रेंड ये भेजा जाएगा तो ये दो पार्ट में जाएगा पहले पार्ट में रोबोट को भेजा जाएगा दूसरे पार्ट में ह्यूमन को भेजा जाएगा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा कि ह्यूमन को भेजने वाला इंडिया जो है ये फोर्थ कंट्री बन जाएगा इंडिया फोर्थ कंट्री बन जाएगा तो पहली कंट्री कौन सा बना है पहला बना था रशिया देन चाइना एंड देन यूएसए ये तीन ऐसे देश हैं और उसके बाद फोर्थ क्या हो जाएगा फोर्थ कंट्री बनेगा इंडिया ओके okay, कौन से टेक्नोलॉजी का इसमें यूज किया जा रहा है तो इसमें टेक्नोलॉजी हाँ ये याद रखेगा एल वी डी वन इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है इसके लिए एंड कौन सा रॉकेट यूज किया जा रहा है रॉकेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा एलवीएम थ्री मार्क थ्री ठीक है इस रॉकेट के जरिए भेजा जाएगा तो क्या क्या चीजें याद रखनी है ये देखो मिशन का नाम गगनयान रोबोट कौन सा भेजा जा रहा है व्योमित्र भेजा जा रहा है रॉकेट कौन सा हो जाएगा एलवीएम मार्क थ्री हो जाएगा टेक्नोलॉजी कौन सी है एलवीडी डी वन इसको टेस्ट किया गया है टेक्नोलॉजी हो जाएगी इंडिया कौन सी कंट्री बन, जा, बन जाएगा इंडिया फोर्थ कंट्री बन जाएगा रोबोट को कौन से वाले पार्ट में भेजा जाएगा इसका जो फर्स्ट होगा मिशन का पार्ट उसमें रोबोट को भेजा जाएगा ह्यूमन को सेकेंड वाले में भेजा जाएगा कहा भेजा जाएगा अर्थ लो ऑर्बिट में जो अर्थ से 400 किलोमीटर की हाइट पर है इतने पॉइंट्स याद रखने ठीक है ओके नेक्स्ट हाँ भाई स्लिम ड्रीम ये किसका मिशन था स्लिम ड्रीम किसका मिशन था <laughs> शांतनु कह रहे माइंड है चार जीबी और सिलेबस एक सौ अट्ठाईस जीबी उस एक सौ जीबी में से एक जीबी आना है वो तो तुम्हारे दिमाग में चार जीबी घुस जाएगा उसी में से एक जीबी आ जाएगा है ना अब ये चार जीबी ही है, उसी में से आई एक सौ अट्ठाईस जीबी में से नहीं पढ़ा रहे तुमको डोंट वरी में से तब पढ़ोगे जब इतनी सारी हो जाएगी। इतनी सारी सारी किताबें किताबें हो नहीं पढ़नी है डायलॉग देखो इनके इसलिए मिशन की बात करते हैं ये किसका मिशन है बिल्कुल ये जापान का मिशन था ठीक है तियांगोंग क्या है ये चाइना का मिशन है छिंग छैंग चूका क्या कर रहा है इसमें चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है खुद का आदित्य एलवन की बात करेंगे कौन सा रॉकेट भेजा गया था तो पी एस एल वी एक्स एल इस रॉकेट को भेजा गया एलवन क्या है लैंग्वेज वन है ठीक है चंद्रयान फोर किसके साथ में मिलकर इसको हम भेजेंगे इसको लॉन्च करेंगे जापान के साथ में मिलकर इसको बनाया जा रहा है कब भेजा जाएगा 2028 के अंदर इसको भेजा जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट okay, वाले न्यूज पर चलते हैं फाउंडेशन स्टोन रखा गया है ऑफ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का क्या है ये है थर्मल पावर प्रोजेक्ट ठीक है अब यहां पर क्या हुआ है <clears throat> मोदी जी गए थे हाल ही में किस राज्य में मोदी जी ने तालीबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है कोई ना कोई उद्घाटन होते रहता है और हम लोग पढ़ते रहते हैं यहाँ पे ऐसे ही चलता है है करंट अफेयर्स कम नहीं होता बढ़ता है सिर्फ बताओ भाई क्या होगा आंसर स्टेट कौन सा है इन बिचो स्टेट कहाँ गए थे भी मोदी जी अरे तुम लोग मोदी जी को फॉलो करते हो तुमको ये नहीं पता चलता है कौन सी यात्रा पे गए हुए हैं आजकल अभी गए हुए थे कहां पर ओडिशा के अंदर तो मोदी जी ओडिशा विजिट पर गए थे और वहीं पर उन्होंने क्या किया है एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसको क्या किया है इनगोरेज किया है इसका नाम क्या है इसका नाम है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या किया जाएगा इससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी कितनी यूनिट होंगे इसकी तीन यूनिट होंगे इसकी अच्छा पर यूनिट जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा इसकी जो कैपेबिलिटी होगी वो कितनी होगी पर यूनिट होगी 800 मेगावाट 800 मेगावाट पर यूनिट इतने जो पावर है उसको जनरेट किया जाएगा इसको बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है 27000 करोड़ की इसमें लागत आई है इसको बनाने में टोटल ठीक है अच्छा कौन सी जगह पे इसको बनाया गया है ओडिशा के अंदर संबलपुर में जगह का नाम क्या है संबलपुर यहाँ पर यह प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है जहां पर इनेगोरेशन किया गया अच्छा बनाया कौन सी कंपनी ने है कोई तो कंपनी होगी जिसने इसको बनाया हो गया यह है नेवली लिगनाइट नेवली इट ये कंपनी है जिसने क्या किया है इस प्रोजेक्ट को बनाया है मोदी जी ने इसको इनगोरेज किया है ये हमें पर यूनिट इतनी जो है पावर जनरेट करके देगा इतना इसमें पैसा लगाए संबलपुर के अंदर इसको बनाया गया है ठीक है इतनी चीजें बस आपको याद रखनी अच्छा किसकी प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया ओडिशा के सीएम कौन है भाई नवीन पटनायक जी है नवीन पटनायक जो है ये सीएम हो जाएंगे गवर्नर की बात करते हैं हम नहीं बता रहे गवर्नर तो नए बनकर आए थे ये तो तुम्हें बताना चाहिए देखो फिर भी मैंने हिंट दे दिया आप लोगों को अब बताओ ओडिशा के अंदर नए गवर्नर बने थे अभी कुछ समय पहले ही उनका नाम क्या है आंसर चलिए तब तक आगे चलते हैं हम हां जी श्री सैलम डैम जो है ये कौन से स्टेट के अंदर आपको मिलता है आंध्र प्रदेश में मिलता है कौन से रिवर के ऊपर बना है कृष्णा रिवर पे बना हुआ है सारे डैम इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा इडोकी डैम की बात करते हैं ये केरला के अंदर आपको मिलता है कौन से रिवर हो जाएगी पेरवि रे सलाल डैम ये मिलता है जम्मू कश्मीर के अंदर सलाल डैम कहाँ पर मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर कौन से रिवर पे बना है चेनाब रिवर पे बना हुआ है रंजीत सागर डैम ये मिलता है पंजाब के अंदर और रिवर कौन सी हो जाएगी राबी आप भाई गवर्नर क्या नाम है रघुराम दास वेरी गुड इतनी तो हिंट मैंने दे ही दी थी कि अब तो बताना ही था चलिए ओडिशा की कैपिटल क्या हो जाएगी भुवनेश्वर जो है वो इसकी कैपिटल है एंड भुवनेश्वर इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया टोटल 100 स्मार्ट सिटी बनेगी 100th वाली कौन सी शिलोंग है व्हिच इज कैपिटल ऑफ मेघालय ठीक है ओडिसा में आपको हमारा सबसे लंबा डैम मिलता है हीराकुड डैम जो कि महानदी पर बना हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज़ पे सबमरीन आईएनएस करंज रीच्ड कोलंबो पोर्ट एक बार फिर से श्रीलंका की यात्रा पे हां जी किस देश के सेवेंटी सिक्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर क्या हुआ है इंडियन नेवी सबमरीन आई करंज अराइव एट कोलम्बो पोर्ट अभी श्रीलंका का ही तो मनाया है हमने चार फेबर को क्या आता है इनका इंडिपेंडेंस डे आता है कौन सा मना रहे 76th मना रहे इनको आजादी कब मिलती है 1948 के अंदर इनको आजादी मिली थी ठीक है। तो श्रीलंका के बारे में जरा बात करते क्या भेजा जा रहा है यहाँ पे खुशी हो या गम हो हम श्रीलंका के साथ रहते हैं क्योंकि श्रीलंका है टीयर ऑफ इंडिया भारत का गिरता हुआ आंसू अभी हमने कौन सा एक आई भेजा है सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए ये है आई करंज एस करंज आई है ये स्कॉर्पिनी टेक्नोलॉजी का बना हुआ है ये हमारा एक इंडियन नेवल शिप है जो कहा गया है ये गया है कोलंबो पोर्ट के ऊपर कहा गया कोलंबो पोर्ट पे कौन से प्रोजेक्ट में इसको बनाया गया है तो ये बना हुआ है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के अंदर ठीक है प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव में क्या आते हैं छह आई आते हैं अब ये जो छह आई एन एस है ये आपसे कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो मेरे लिखने से पहले छह आई एन एस इसमें तीन का नाम तो वी से स्टार्ट होता है और तीन का नाम के से स्टार्ट होता है ऐसे याद रखो थ्री के प्लस थ्री वी ऐसे याद रखो के से कौन कौन से हैं तो देखो आई एन एस करंज हो गया करंज हो गया खंडेरी हो गया खंडेरी हो गया एंड कलवरी हो गया कलवरी हो गया ये तो हो जाएंगे के से एंड वी से बात करेंगे तो कौन कौन से हैं? आई वेला वजीर एंड वगशीर ये छे आई एन एस है ठीक है ये क्या है छे आई एन एस है <clears throat> चलिए भैया अब तुमको श्रीलंका लेकर चलते हैं जरा यहाँ का थोड़ा सा जाने श्रीलंका की हिस्ट्री क्या है क्योंकि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है है ना हमारा ही तो है हमारा ही फैमिली है ये भी तो उसके बारे में तो जानना बनता है गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पर क्या मिलेगा स्ट्रेट मिलेगा जिसे आप कहते हैं पाक स्ट्रेट जो कि दोनों को अलग करता है श्रीलंका की लोकेशन कहाँ पर है इंडियन ऑशियन के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे पहले इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था ठीक है इसको पहले सिलोन कहा जाता था अच्छा तो यहां पर क्या है ना डच रूल किया करते थे डच पे रूल किया करते थे लेकिन 1796 के अंदर ब्रिटेन आ जाता है यहां पे रूल करने के लिए, एंड ब्रिटिशर्स का यहाँ पे क्या हो गया कब्जा हो गया ब्रिटेन ने काफी सारी जगह पर कब्जा कर लिया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जगह कैंडी यहां पर भी क्या हो गया ब्रिटेन का कब्जा हो गया फिर क्या होता है अठारह आता है 1802 ये वही पीरियड था जब इन्होंने कैंडी पर कब्जा किया और इन्होंने सोचा कि श्रीलंका के और भी हिस्सों पर हम कब्जा करना चाहते हैं लेकिन एक ऐसी जगह जहां पर यह कब्जा नहीं कर पाए उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए क्यों क्योंकि वहां पर सिलोन नेशनल कांग्रेस बन गई थी श्रीलंका की सिलोन नेशनल कांग्रेस यहां पर भी चलती है एक पार्टी इसको बनाया गया ये बनती एटीन एटी के अंदर और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 के अंदर इसके एक साल बाद ही हमारे यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ अब ये पार्टी बनती है और यहां पर ब्रिटिशर्स के कुछ सपने जो हैं वो चकना चूर हो जाते हैं फिर आता है 1942, 1942 के अंदर क्या हुआ जापान आया जापान ने श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया जापान ने क्या किया रूल करना स्टार्ट कर दिया लेकिन ब्रिटेन थोड़े ना मानने वाले थे फिर वर्ल्ड वॉर टू चल ही रहा था 1945 के अंदर जापान तो बेचारा हार ही गया था यूएसए के सामने इसने घुटने टेक दिए इसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने 1945 के अंदर श्रीलंका के ऊपर फिर से कब्जा कर लिया किसने ब्रिटेन ने फिर क्या होता है नाइनटीन फोर्टी के अंदर ही इनके यहाँ पर एक कमीशन आता है जिसको जिसको जिसका नाम है सोलबरी कमीशन ये था सोलबरी कमीशन ये वही कमीशन था जिसने श्रीलंका के यहाँ पर क्या है इनका संविधान बनाया इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और उसके बाद 4 फरवरी 1948 के अंदर इनको आजादी मिल जाती है तो ये अपना आजादी मनाते हैं और सेवेंटी एनिवर्सरी जो है इस बार सेलिब्रेट करें अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इनके यहां पर सोलबरी कमीशन आया था 19 कमीशन आता है इनके यहां पर 1946 या सेवन में ठीक है लेकिन हमारे यहां पर कौन सा कमीशन था जिसने संविधान जिसके बाद संविधान बनाया गया जिसने संविधान बनाने में मदद की यह मुझे कौन बताएगा फटाफट से हमारे यहां पे कौन सा मिशन था या कौन सा मिशन था जिसकी हेल्प से क्या है हमारा संविधान बना था जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं आगे चलते हैं तब तक नेक्स्ट श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा पोर्ट मिलता है या फिर कौन सा ओ, क्या कहते हैं आइलैंड मिलता है रामेश्वरम याद रखिएगा कांचा देवू आईलैंड हो गया ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका के बीच में मिलते कैबिनेट मिशन करेक्ट है हमारे यहाँ 1946 में कैबिनेट मिशन आया था जिसकी हेल्प से हमने संविधान बनाया ठीक है सो प्रोजेक्ट फिफ्टीन ए की बात करते हैं इसमें आपको तीन आई एन एस मिलते हैं ये तीन आई एन एस कौन कौन से हैं तो देखिए आई एन एस कोलकाता आई एन एस चेन्नई हो गया आई एन एस चेन्नई हो गया तो सारे अक्षर पता नहीं मिट क्यों जाते हैं समझ नहीं आया आज तक मुझको यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है और कौन सा हो जाएगा आई एन एस कोची ओके प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के अंदर चार आई मिलेंगे आपको ये चार कौन कौन से है आई एन एस या फिर कह सकते हो आई एन एस वाइजेक हो गया आई एन एस मोरमू गोवा हो गया एंड आई एन एस सूरत हो जाएगा आई एन एस इम्फाल हो गया ये चार आई एन एस इसमें आपको मिलते हैं। और ये मैंने बताई दिए थे पीछे आपको इसमें छ आई एन एस है ठीक है ये अभी पीछे हमने किया था ओके okay, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है डिजिटल वीजा इश्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम भाई पैसा कमाने का मौका कोई नहीं छोड़ता है आपको भी मिलेगा तो आप झपक लोगे किस देश ने पहली बार शेंगेन डिजिटल वीजा जारी किया है कौन सी ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अपने यहां पर डिजिटल वीजा जारी किया है अब ये कौन सी कंट्री है ये है फ्रांस हाँ मेरे मेकअप पे ध्यान मत दो भैया मैं मेकअप नहीं करती हूँ ठीक है अब यकीन करो या ना करो हमको कोई मतलब नहीं है इस चीज से मेकअप करने का टाइम कहा मिलता है इतनी सुबह सुबह तो क्लास होती है इतना समय थोड़ी ना होता है इधर देखो इधर फोकस इधर करो यार तुमको क्या लेना देना है मतलब एग्जाम में ये आने वाला है ना कि करंट अफेयर वाले मैडम का मेकअप या उनकी ब्यूटी क्या कुछ नहीं आने वाला पेपर में हद करते हो तुम लोग इधर फोकस करो फ्रांस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं फ्रांस की कैपिटल क्या, क्या हो जाएगी पेरिस इसकी कैपिटल है अब पेरिस में होने वाले हैं 2024 में ओलंपिक्स अब जाहिर सी बात है कि ओलंपिक्स होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और वहाँ से लोग देखने के लिए यहाँ पर आएंगे मैच देखने तो आएंगे ही अब मैच देखने आएंगे तो इनको यहाँ पर बहुत सारा क्या है पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा तो फ्रांस ने क्या कहा है कि अब क्या करने जा रहे हैं ये डिजिटल वीज़ा जारी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीजा ले सके उनको कोई दिक्कत ना हो वीजा लेने में अब ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे वहां पर टूरिज्म मिलेगा मिलेगा उनको पाईसा ही पाईसा मिलेगा उनको पैसा पैसा ही तो इसीलिए क्या किया है इन्होंने डिजिटल वीजा जारी किया इसका नाम क्या है वीजा का नाम है शेन गेंद आज को ज्यादा ही अक्षर मिटरे शेन गेंद वीजा ये इसका नाम हो जाएगा ठीक है अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि पेरिस के अंदर यूपीआई पेमेंट्स को भी लागू कर दिया गया है ये आप लोगों को मैंने अभी बताया था कि जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है अब आप कर सकते हैं मतलब अगर आप पेरिस जाते हैं आईफिल टावर देखने के लिए, आप यहाँ पर यूपीआई से रुपए में पेमेंट कर सकते हैं रुपए में पेमेंट कर सकते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो कि अभी आए थे हमारे यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर इमैनुअल मैक्रोन है फ्रांस की बात करेंगे तो इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज तो मैप में देखो ये रहा फ्रांस की लोकेशन ये किस किस के साथ में बॉर्डर शेयर कहता है ऊपर की साइड में आप देखोगे यहाँ पे यू मिलता है अटलांटिक आशियन के अंदर आपको इसकी लोकेशन जो है मिलती है इधर के साइड में मिलेगा मेडिटेरियन सी ठीक है ये हो गया से इटली हो गया स्विट्जरलैंड हो गया एंडोरा हो गया ऊपर की साइड में लग्जमबर्ग बेल्जियम नीदरलैंड यूके आयरलैंड इनके बीच में इसकी लोकेशन आपको मिलती है ठीक है फ्रांस पहली ऐसी कंट्री है जिसके यहाँ पे जीएसटी लागू किया गया 1954 के अंदर यहाँ पे जीएसटी लागू होता और ये पहला देश बना था जीएसटी लागू करने वाला इंडिया के अंदर तो 2017 में आता है फर्स्ट ऑफ जुलाई को लागू किया जाता है फ्रांस के साथ में हम काफी सारी एक्सरसाइज भी करते हैं जैसे कि कौन सी एक्सरसाइज वरुण एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ में करते हैं एक होती है गरुड़ एक्सरसाइज करते हैं फ्रीजेक्स एक्सरसाइज फ्रिंजिक्स एक्सरसाइज ये सारी हम किसके साथ में करते हैं? फ्रांस के साथ में ठीक है तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है आगे चलते ओके okay. हां जी तो यहां पर इनका एक टारगेट भी रखा है इन्होंने कि 70000 डिजिटल वीजा ये प्रोवाइड करेंगे इन्होंने इतना टारगेट भी रखा है यहां पर बहुत बढ़िया आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 विद अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे द गोल्डन गर्ल पी टी सो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि किस महिला धावक को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है किसको दिया है पीटी उषा को दिया है ठीक है चलिए बात करते इस अवॉर्ड के बारे में क्या है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है यह जो अवॉर्ड है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है सबसे पहले चीज कौन दे रहा है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस अवार्ड को दिया जा रहा है कितने लोगों को दिया गया है तो ये दो लोगों को दिया गया है एक तो हो जाएंगे पीटी ऊषा पीटी ऊषा और दूसरे है मिल्खा सिंह इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है अब मिल्खा सिंह का नाम आया है तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं सबसे पहले मिल्खा जो, है, 1958 की अंदर जो एशियन गेम्स हुए थे, थे? आयोजन किया गया था 1958 में जहां पर इन्होंने दो गोल्ड जीते ये आयोजन टोक्यो के अंदर हुआ था इसमें इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते 1958 के अंदर ही कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आयोजन किया गया था इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ठीक है। उसके बाद 1962 के अंदर जकार्ता में हुए थे एशियन गेम्स जकार्ता में होते हैं एशियन गेम्स यहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इसमें भी इन्होंने दो गोल्ड जीते थे तो इसलिए क्या है इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है पेटी उषा की बात करेंगे ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट फीमेल हेड बनी थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर पहली महिला हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो किस नाम से आती है गोल्डन गर्ल के नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी आती है अच्छा ऑटोबायोग्राफी मुझे इनकी भी बताओ मिल्खा सिंह के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी ऑटोबायोग्राफी किस नाम से है इनकी ऑटोबायोग्राफी मिल्खा सिंह की किस नाम से है जल्दी से आंसर करेंगे क्या होगा करेक्ट आंसर हां जी बताइए भाई कहां रह गए हम्म <coughs> hmm. बिल्कुल करेक्ट द रेस ऑफ माय लाइफ क्या हो जाएगा द रेस ऑफ माय लाइफ के नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी आती है ठीक है तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इनको अवार्ड्स दिए जा रहे दोनों को ही दिए जा रहे। कॉन्फ्रेंस 2024 अभी मोदी जी ने इस कॉन्फ्रेंस को हेड किया है ये कॉन्फ्रेंस जो तो है कब की गई है एक तो ये पूछा जाएगा तीन फरवरी को किसने इसका आयोजन किया मोदी जी ने इसका आयोजन किया कहां पर दिल्ली के अंदर अटॉर्नी जनरल ये कौन होते हैं महान्यायवादी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एडवाइजर होते हैं आर्टिकल 76 में दिया गया है ठीक है कौन है फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर आर वेंकट रमन जी है एंड सॉलिसिटर जनरल की बात करेंगे तो सॉलिसिटर जनरल कौन है प्रेजेंट टाइम पे ये हैं तुषार मेहता जी ठीक है उसके बाद होते हैं ट्वेल्थ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कौन सी कंट्री के अंदर किया जाता है तो ये हुआ था फिजी के अंदर लेकिन थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की बात करें थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था शांतनु करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से इसका जो आयोजन है ये कौन सी जगह पे किया जाता है ये नहीं पता किसी को हिंदू कॉन्फ्रेंस बैंकॉक में नहीं हुई थी बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया गया फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस ये कहाँ होती है बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ फर्स्ट ह्यूमन रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये कौन सी जगह पे किया गया था ये रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये होता है जे नेवा के अंदर स्विट्जरलैंड में तो ये कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं जो कि न्यूज में थी और क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इन कॉन्फ्रेंसेस को लिख लीजिएगा ठीक है नेक्स्ट मूवमेंट डिमांडिंग फुल स्टेटहुड ये भैया न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रही है आप सभी ने न्यूज चैनल्स पर देखा होगा पहले मुझे लगा था इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इसलिए मैंने इसको नहीं कवर किया लेकिन फिर मैंने सोचा हर एक न्यूज़ चैनल पर इसको कवर किया गया है तो हमें भी इसको देख लेना चाहिए हो सकता है एग्जाम में यहाँ से कुछ पूछ लिया जाए तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं ये देखो लद्दाख डिमांड्स सिक्स शेड्यूल दिख रहा है आपको अभी क्या हुआ है लद्दाख के अंदर राज्य की मांग को लेकर के एक बड़ा आंदोलन जो है वो छेड़ दिया गया है कौन सी जगह पे लद्दाख के अंदर आप सभी जानते हैं थर्टी फर्स्ट अक्टूबर दो हजार उन्नीस ये वो टाइम पीरियड था वो दिन था जब क्या हुआ था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और आर्टिकल 370 जो है इसको हटा दिया गया लद्दाख में ठीक है और एक आर्टिकल 35 ए जो है इसको क्या कर दिया गया हटा दिया गया अब ये भी स्टेट्स की तरह क्या है काम करेंगे जैसे बाकी स्टेट्स है लेकिन यूटी यूटी की तरह ओके तो अब क्या हुआ है हुआ ये है कि सरकार ने इस टाइम पर यह कहा था कि आने वाले टाइम पर 2021 22 या 23 तक हम लद्दाख को वापस से राज्य का दर्जा देंगे लेकिन ऐसा नहीं किया जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं अब पहला सवाल तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैडम ऐसा ये चाहते क्यों है स्टेट का दर्जा मिलेगा तब क्या हो जाएगा देखो यूनियन टेरिटरीज़ जो होती है ना यूनियन टेरिटरीज़ यहाँ पर प्रेसिडेंट का डायरेक्ट रूल चलता है इसलिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उनको लेकिन यहाँ पे कोई विधानसभा नहीं होती लोग अपनी मर्जी से सरकार नहीं चुनते वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं है ना एक होता है कि राज्यों में लोग अपनी बात मनवाते हैं सरकार को भी ये डर होता है कि इनकी बात नहीं मानी तो ये हमें वोट नहीं देंगे तो उनकी बात मानी जाती है लेकिन यूटीज में कोई सरकार ही नहीं होती है तो इसलिए क्या है लोगों को उनके हक में काफी हद तक नहीं मिल पाते हैं जो लोग चाहते हैं इसलिए यहाँ के लोगों ने डिमांड रखी है कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए एक राज्य बनाया जाए जैसा कि सरकार ने हमसे वादा किया था 2019 में अब यहां पर एक नाम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे मुद्दे को लीड कर रहा है जो इस पूरे आंदोलन को जिसने लीड किया है इनका नाम है सोनम सोनम वांगचुक जी ठीक है इन्होंने क्या किया था इन्होंने फेबररी 2023 के अंदर इन्होंने पहली बार डिमांड उठाई इन्होंने मांग की सरकार को याद दिलाया अपना वादा कि आपने राज्य बनाने का वादा किया था उसको पूरा कीजिए इनकी बात नहीं सुनी गई तो लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इनका साथ देने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं अब इनकी दो डिमांड है। पहली डिमांड तो ये है कि वो राज्य बनाना चाहते राज्य बनेगा तो इनका फायदा क्या है यहां पर पार्लियामेंट में इनको सीटें मिलेंगी अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा इनके यहाँ पर विधानसभा बनाई जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी तो इनको सीटें मिलेंगी ठीक है अपनी पसंद के ये नेता चुन पाएंगे ओके इनकी जो दूसरी डिमांड है सेकेंड डिमांड ये है ये चाहते हैं लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में शामिल किया जाए अब ये क्या चीज है शेड्यूल क्या होता है देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो शेड्यूल दिए गए हैं एक तो फिफ्थ दिया गया है और एक सिक्स शेड्यूल दिया है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बोला गया है कि पूरे देश के अंदर जितनी भी ट्राइब्स हैं जितनी भी जनजातियां हैं उनको एम्पावर करने का काम सरकार का होगा ये है फिफ्थ शेड्यूल लेकिन सिक्स्थ शेड्यूल में क्या बोला गया है कि चार ऐसे स्पेशल स्टेट्स जिनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं ये कौन कौन से हो जाएंगे आसाम हो गया त्रिपुरा हो गया एंड मेघालय हो गया और एक हो जाएगा मिजोरम ये चार ऐसे राज्य हैं जिनकी ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करती है सरकार इनके लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं और ये काउंसिल्स क्या काम करती हैं उस राज्य की जो ट्राइब्स हैं उनके कल्चर को मेंटेन रखती हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं भाई उनके सेफ गार्ड हैं ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं उन राज्यों में जो सिक्स शेड्यूल में आते हैं ये काउंसिल्स सिर्फ उन ट्राइब्स के वेलफेयर का काम करेंगी अब लद्दाख अगर शेड्यूल में आ गया तो यहाँ पे जितनी भी जनजातियां हैं उनको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा इसलिए ये चाहते हैं कि इनको सिक्स शेड्यूल में रखा जाए तो यहां पर सिर्फ लद्दाख नहीं पूरा देश जो है वो इनके सपोर्ट में है पूरा देश चाहता है कि इनको इंसाफ मिले कि ये जो चाहते हैं इनकी मांग को पूरा किया जाए ओके दिल्ली में भी तो केजरीवाल सरकार है बेटा तो पॉलिटी नहीं पढ़ते हो ना आप इसीलिए है ना पॉलिटी की क्लास में तो आते ही नहीं हो तो पता कैसे होगा दिल्ली में यूनियन टेरिटरी है लेकिन दिल्ली में विधानसभा है क्यों हमारी टोटल जो आठ यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर आपको विधानसभा मिलती है एक पुडुचेरी एक दिल्ली इनमें विधानसभा बाद में बनाई गई थी अब जो पेड क्लास वाले बच्चे हैं ना जो पॉलिटी पढ़े हैं उनको सारी चीजें पता होंगी हर एक यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है यूनियन टेरिटरी पर डायरेक्ट रूल होता है प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट अपनी तरफ से एक बंदा भेजते हैं वहां पे वहां का प्रशासन संभालने के लिए जिसे एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है ठीक है लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी समय के साथ यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई लोगों की शिकायतें ज्यादा आने शुरू हो गई इसीलिए यहां पर फैसला किया गया कि विधानसभा बना दी जाए ताकि यहां पे सरकार लोग खुद ही चुने और खुद ही संभालें। एक राज्य जो होता है उसके पास में ये अधिकार होता है कि वो अपने राज्य के लोगों के लिए कानून बनाए उनकी भलाई के लिए काम करे वो उनके हक के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है नए नियम कानून बना सकता है लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई विधानसभा नहीं होती कोई सरकार नहीं होती है सिर्फ प्रेसिडेंट का रूल चलता है अब जिसको पता है कि उनकी कुर्सी नहीं जानी है वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे लोगों की कौन सुनेगा लोगों की सुनवाई वहां होती है जहां सरकार को ये डर होता है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी तो हमारी सरकार गिरा देंगे अगली बार वोट नहीं देंगे इसलिए राज्यों के पास में ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू यूनियन टेरिटरी इसलिए लद्दाख के लोग चाहते हैं कि हमें राज्य बनाया जाए ये राज्य बनेगा तो इसको सिक्स शेड्यूल में शामिल करेंगे शेड्यूल में शामिल करेंगे तो यहां की जितनी भी ट्राइब्स हैं उनको भी यहां पर क्या है ये जो काउंसिल्स हैं वो उनकी रक्षा करेंगे और उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे लद्दाख के अंदर आपको दो ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं एक तो है ले और दूसरा है कारगिल ठीक है ओके So, ये है पूरी कहानी लद्दाख की अभी इसके ऊपर कोई सरकार ने डिसीजन नहीं दिया है अभी ये जो न्यूज है ये जो आर्टिकल है, वो इतना ही आया है अभी इसके ऊपर एक और आर्टिकल आएगा तब जब सरकार इस पे कोई डिसीजन लेगी तो फिलहाल आप मुझे बताइए लद्दाख में ये लो सवाल पूछने से पहले आंसर ही कर दिया है वाह शांतु करेक्ट है बी डी मिश्रा जो है वो यहाँ पर आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं अच्छा आप मुझे बताइए फिफ्थ शेड्यूल में क्या दिया गया तो अभी मैंने बताया कि जितनी भी ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या है यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती है सिक्स शेड्यूल में आपको चार स्टेट देखने को मिलते हैं जो कि है आसाम और कौन सा हो जाएगा त्रिपुरा हो गया एंड मेघालय हो गया और एक मिजोरम हो गया सेवंथ शेड्यूल में क्या आता है चार तीन लिस्ट दी गई है कौन कौन सी स्टेट लिस्ट हो जाएगी स्टेट लिस्ट हो गई यूनियन लिस्ट हो गई और एक हो जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट ये क्या होती है तो एक हजार बार बता चुके हो स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट मिलेंगे यूनियन लिस्ट में आपको 100 सब्जेक्ट मिलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में 52 मिलेंगे एट्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है इसमें दी गई है लैंग्वेजेस भाषाएं दी गई है एट्थ शेड्यूल में ठीक है इतने पॉइंट्स याद रखने <clears throat> आगे चलते हैं नेक्स्ट वाली न्यूज पे सेफर इंटरनेट डे 2024 सेलिब्रेट किया गया है सब लोग इंटरनेट यूज करते होंगे लेकिन आपका इंटरनेट कितना सेफ है क्या आप ये जानते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जैसे लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 6 फरवरी को इस डे को मनाया जाता है कब बनाया जाता है सिक्स ऑफ फेबर को इस डे को मनाया जाता है ठीक है आपसे इसकी थीम पूछी जा रही है इंस्पायरिंग चेंज ड्राइविंग चेंज मैनेजिंग इम्पैक्ट एंड ड्राइविंग चेंज ऑनलाइन ये इसकी थीम रखी गई है ठीक है ओके okay, तो कौन मनाता है इसको और कब इसकी शुरुआत हुई ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर पूछ ली जाती है इसकी शुरुआत, शुरुआत 2006 में हुई इसकी शुरुआत 2006 में हुई किसने की थी, थी? इसकी शुरुआत यूरोपियन यूनियन सेफ बॉर्डर्स के द्वारा इसको शुरू किया जाता है और जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है ओके okay? तो ये ध्यान रखिएगा 2024 में 6 फरवरी को ये मनाया जाता है जरूरी नहीं होता है हर साल 6 फरवरी हो हर साल फरवरी के सेकंड ट्यूजडे को मनाया जाता है दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है ओके okay? जो कि कल था हुँ? वर्ल्ड कैंसर डे बताइए ये कब मनाते हैं चार फ़रवरी को वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कैंसर को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको मनाते हैं बट डोंट बी लाइक पूनम पांडे ठीक है ऐसी वाली अवेयरनेस फैलाओगे तो भैया अंदर भी जाना पड़ सकता है ठीक है ओके okay. उसके बाद है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका नेशनल डे ऑफ श्रीलंका ये भी चार फरवरी को मनाया काला घोड़ा यह है मुंबई के अंदर यह स्टार्ट हुआ है पांच से लेकर तेरह फरवरी चलेगा मुंबई में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक छह फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा ट्वेल्व फेबर तक ठीक है <coughs> आखिरी क्वेश्चन एक अपॉइंटमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है न्यू आर्मी डेप्यूटी चीफ अपॉइंटेड अभी ये आर्मी के अंदर एज अ डिप्टी चीफ जो हैं अपॉइंट किए गए हैं तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान से सुनिएगा कि किनको अपॉइंट किया गया है कोई बताना चाहेगा किन का अपॉइंटमेंट हुआ है नाम डिफेंस वालों तुम तो बताओ इसका आंसर क्या होगा मैम कौन पूनम पांड क्या बात कर रही अरे भाई साहब पूनम पांडे ने अपने आप को फेमस करने के लिए अपने मरने की खबरें फैला दी जिंदा होते फिर भी तुम पूछ रहे हो कौन पूनम पांडे कसम से बेचारी ने देख लिया ना तुम्हारे कमेंट दिल टूट के चकनाचूर हो जाएगा कि इतना कुछ करने के बाद भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे कि कौन पूनम पांडे इसीलिए कहते हैं हैं इतना भी अंदर नहीं रहना चाहिए घर के अंदर

भाई यहां बताइए तो यहां पर क्या हुआ है एक अपॉइंटमेंट हुआ है किसके अंदर नेवी के अंदर आप सभी जानते हैं जब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की अरे भाई एक सेकेंड ये आर्मी में अपॉइंटमेंट हुआ है नेवी में नहीं हुआ है सॉरी 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 आर्मी 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 इंडियन आर्मी की जब हम बात करते हैं कोई बात, कोई बात नहीं कोई बात नहीं इंडियन आर्मी की बात करते दे कब इसको बनाया जाता है इसकी स्थापना फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1895 को होती है लेकिन हम आर्मी डे जो मनाते हैं वो तो 15 ऑफ जनवरी को मनाते हैं क्यों क्योंकि 15 ऑफ जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख अपॉइंट किए गए थे आर्मी हेड के रूप में जो एयरफील्ड मार्शल रह चुके हैं हमारे जिनका नाम है किया करियप्पा इन्होंने अपना पद ग्रहण किया था 15 जनवरी को इसीलिए इन्हीं के नाम पर हम इस डे को मनाते हैं 14 जनवरी को रिटायर हो गए थे इसलिए इस दिन को वेटरन्स डे के रूप में मनाया जाता है ठीक है अच्छा आर्मी चीफ कौन हो जाएंगे अगर मैं आपसे पूछूं आर्मी चीफ जो है प्रेजेंट टाइम पर ये कौन है तो आप कहोगे मनोज पांडे जी हैं क्या नाम है इनका मनोज पांडे ये हो जाएंगे आर्मी चीफ लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए अभी जो डेप्यूटी चीफ बनाया गया है, है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी उपेंद्र द्विवेदी जी को बनाया गया है आ ये कुछ ज्यादा ही पढ़ाई में डूब जाने वाले बच्चे वही होते हैं जिनको दुनिया में चल क्या रहे खबर ही नहीं होती है आप लोग सोशल मीडिया पर रहो जरूरी नहीं होता सोशल मीडिया होता है मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे लेकिन वहां वहां पर पर भी भी न्यूज न्यूज चैनल्स को फॉलो किया हुआ है आप लोग ही देख सकते हैं जरूरी नहीं होता है कि वहां पर सिर्फ फालतू फालतू चीजें मिलती हैं आपको अच्छी चीजें भी मिलती है और ऐसी जो चीजें होती है वो सबसे पहले यही वायरल होती है न्यूज चैनल से पहले सोशल मीडिया पर ही आती है सबसे पहले इसलिए फायदा भी होता है यहाँ पर सोशल मीडिया यूज करने का ठीक है अगर हम बात करते हैं नेवी चीफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि नेवी चीफ जो है ये कौन है हमारे आर हरि कुमार है नेवी डे कब मनाया जाता है चार दिसंबर को ठीक है एंड अगर हम बात करें एयरफोर्स चीफ के बारे में एयरफोर्स चीफ जो है ये कौन हो जाएंगे वी आर चौधरी जी विवेक राम चौधरी जी हैं ठीक है ये डे कब मनाया जाता है आठ अक्टूबर को मनाया जाता है तो ये भी साथ में याद रखिएगा ठीक है अच्छा इंडियन कोस्ट गार्ड भी बता दो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल है ये फर्स्ट ऑफ फ़रवरी को मनाते हैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे वीएस एस पठानिया जी हैं यहाँ के डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी में अभी किसका अपॉइंटमेंट हुआ आईटीबीपी के अंदर ये चाइना बॉर्डर पर काम करते हैं ये जो तैनात किए जाते हैं आईटीबीपी ठीक है अच्छा यहाँ पर हेड के रूप में डायरेक्टर जनरल किनको अपॉइंट किया गया राहुल रसगोत्रा क्या नाम है इनका राहुल रसगोत्रा को अपॉइंट किया गया था हाँ सेकंड नंबर के सीडीएस भी याद रख लीजिएगा सेकंड सीडीएस जो है ये कौन हो जाएंगे आपके अनिल चौहान हैं क्या नाम है इनका अनिल चौहान इनका नाम है ठीक है तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है <coughs> क्लियर है सभी को हाँ जी हाँ सी आई एस एफ में नीना सिंह को अपॉइंट किया गया था करेक्ट है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है ओके तो ये रहा गाइस आज का आपका होमवर्क जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है होमवर्क सभी लोगों को करना है बड़ी खुशी होती है मुझे जब तुम होमवर्क करते हो तो ओके सो so, uh, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो देट कि मेरी आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड वो स्टूडेंट्स जो अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे जहां पर पूरी टीम आपको मिलेगी बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करने के लिए आपको सिलेबस कराने के लिए ठीक है तो इसके लिए आपको क्या करना है आप पुराने स्टूडेंट्स तो जा सकते हैं नए स्टूडेंट्स रुकेंगे जिनको जो अभी तक एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं जिनको पॉलिटी के बारे में नहीं पता है ना हिस्ट्री के बारे में ज्योग्राफी के बारे में आप देखो करंट अफेयर्स में क्या ना चीजें तो सब होती हैं अब मैं रिवाइज कराती हूँ क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है है ना पॉलिटी पढ़ा नहीं है तभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैडम दिल्ली के अंदर तो विधानसभा है तो वो यूनियन टेरिटरी में विधानसभा कैसे क्योंकि आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है इसलिए आपने ये सवाल पूछा तो आपको करना क्या है

सारे एग्जाम्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे मान लो एस एस देना है या मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो तो फिर आप महापैक ले सकते हैं जिसमें आपको हर एक बैच को एक्सेस करने का मिल जाएगा एक्सेस मिल जाएगा मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसे आपको लेना है जैसे कि मान लीजिए मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आप मल्टीपल काफी एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक है तो मैंने महापैक पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद इस तरीके से ओपन होगा एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट दिख रहा है इतना आपको नहीं देना आपको डिस्काउंट पे जाना है जैसे आप बाई नाव पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले कोड मांगा जाएगा जो कि डिस्काउंट कोड है ठीक है इस पे जाना है Y774 टाइप कर दीजिएगा क्या Y774 और एड आएगी उसको हटा देना ऊपर से Y774 टाइप करने के बाद कर दीजिएगा अप्लाई और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे जो अमाउंट है वो कितना हो गया तीन इसमें आपको टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों चीजें मिल जाएंगे टेक एज वेल एज नॉन टेक आपको कंप्लीट सिलेबस पूरी टीम के द्वारा करवाया जाएगा अगर आप सिंगल सिंगल बैच लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं जैसे सिर्फ एस एस सी जाएगा तो आपको सस्ता पड़ेगा दो समथिंग का ठीक है चलिए ओके गाइस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मैं वहां पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगी कोई और भी डाउट किसी का छूट गया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यही वाला कोड है जो हर एक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगा चाहे डिफेंस हो चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो मैं पढ़ाऊँगी सिर्फ इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए लेकिन आप ये कोड यूज़ करके डिस्काउंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हो ठीक है चलिए ओके गाइस सो आज के लिए बस इतना ही बट द कंटेंट नॉट अवेलेबल टिल नाउ मिस्टर सिंह आपने कल ही खरीदा है ना तो 24 घंटे लगते हैं है ना थोड़ा सा और वेट करो आपने कल खरीदा 24 घंटे होने दो फिर विजिबल होगा सब कुछ उसके बाद विजिबल होगा अगर आप सिर्फ नॉन टेक लेना चाहते हो तो सिर्फ नॉन टेक में मिल जाएगा एसएससी एस जेई वाले उसमें जाना सेक्शन में वहां सिर्फ नॉन मिलेगा वो भी आप ले सकते हैं ठीक है ओके okay. ठीक है चलिए गाई आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच मुलाकात करते हैं आपसे दो बजे वाले सेशन में जिसमें स्टैटिक जीके की सीरीज आपकी स्टार्ट हो रखी तो स्टैटिक जीके वाले सीरीज में मिलते हैं ठीक है चलिए बाय टेक केयर